क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने टोटल 102 बिलियन डॉलर डोनेट किए हैं। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज के 45वें एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की। 1868 में जमशेद जी टाटा ने मुंबई में टाटा ग्रुप स्टैब्लिश किया था। उसके बाद सर दोराबजी टाटा और सर जेआरडी टाटा उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर गए और बहुत ही बड़ी कंपनीज की शुरुआत की। और 1991 में रतन नवल टाटा ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था, जो जमशेद जी टाटा के ग्रेट ग्रैंड सन थे। लेकिन उनके पेरेंट्स के डाइवोर्स होने की वजह से उनकी दादी ने उन्हें और उनके भाई जिमी को पाल पोस कर बड़ा किया। रतन टाटा जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन मुंबई से कंप्लीट की और उसके बाद वो यूएस चले गए अपनी बाकी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने टाटा स्टील ज्वाइन किया एज अ सीनियर मेंबर, नहीं एज अ कॉमन वर्कर। और फाइनली 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। अगर हम रतन टाटा जी के कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की थी, जो 2 साल के अंदर उस सेगमेंट की बेस्ट कार बन गई। ईयर 2000 में उन्होंने दुनिया की सेकेंड बेस्ट कंपनी टेटले को एक्वायर किया, जो लंदन की सबसे बड़ी टी कंपनी थी। और उन्हीं की लीडरशिप में 2003 में TCS पहली सॉफ्टवेयर इंडियन कंपनी थी जिसका रेवेन्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। और 2004 में टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई थी। रतन टाटा जी ने सन 2008 में इंडिया की चीपेस्ट कार नैनो लॉन्च की थी। 2008 में ही उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर से एक्वायर किया था। रतन टाटा जी जैसे ही लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। हमारा ये आज का वीडियो ट्रिब्यूट है रतन टाटा सर के लिए, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया छोड़कर कहीं नहीं गए और उन्होंने इंडिया में रहकर ही उसको इतना बड़ा बनाया कि आज टाटा इंडस्ट्री 100 से ज्यादा कंट्रीज में है और TCS जैसी कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। आपको टाटा की कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगती है हमें लिखकर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए।